अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुरानी कायदा। तो इसकी जो है ये पहली वाली तख्ती भी हमने पढ़ ली है और ये दूसरी वाली तख्ती भी, और तमाम बच्चों ने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस की होगी। आज हम ये पढ़ेंगे, इसका सफ़ा नंबर जो है 5। और सबक शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। ये जो दो हरूफ हैं इनको अब जोड़ के लिखा हुआ है। पहले तो आपने हरूफ को अलग अलग शक्ल में पढ़ा है, अब हरूफ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कौन से दो हर्फ जुड़े हुए हैं, बा और अलिफ। तो इसको हम पढ़ेंगे बा अलिफ। यहाँ पे एक दो और तीन हरूफ मिले हुए हैं आपस में, तो वो कौन से हैं, ता अलिफ ब। यहाँ पे भी तीन हरूफ हैं, सबसे पहला है ब त स, इसमें है ब जीम, जीम ह। तो प्यारे बच्चों, अब आपने हरूफ को जोड़ के पढ़ना सीखना है, यानी कि सबसे पहले दो हरूफ मिले हुए हैं वो हैं बा और अलिफ। तो इसको हम पढ़ेंगे ब अलिफ ता अलिफ ब बा ता सा बा जीम जीम हा। आप लोगों का ये थोड़ा सा मुश्किल है जोड़ के पढ़ना, तो इसलिए इसको एक ही लाइन में आप लोगों के लिए दे रही हूँ। इसको आपने अच्छे से याद करना है, इसकी बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, और ये लाइन सब बच्चों को अच्छे से याद होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।